लेके बहुत इतना कुछ खास नहीं रहा, पर फिलहाल हो गया। इससे पहले भी एंजल आपने कुछ किया या पहला ये एक्सपीरियंस रहा है आपका? इससे पहले मैंने कवर सॉन्ग किया था जब शायद मेरा जादू, बट इसके बाद मेरा ये फर्स्ट ओरिजिनल ड्यूट सॉन्ग है, ओरिजिनल ड्यूट सॉन्ग है। जी एंजल, गाने के जो सिंगर है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? गाने के सिंगर जुबीन दानिश जो मेरे फेवरेट सिंगर हैं, और उन्होंने बहुत प्यार से इस सॉन्ग को गाया है, उनका फील, और मैंने भी उनको साथ देने की पूरी अपना 100% देने की कोशिश करी है इस सॉन्ग में। और ये कंपोज सॉन्ग अभिनव दान ने किया है, और इस सॉन्ग को इस सॉन्ग का म्यूजिक भी अभिनव दान ने ही दिया है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, आपको जैसे आपने कहा कि आपकी मम्मी की कॉन्सेप्ट है, उन्होंने जब आपसे कहा था कि ये गाना करना है तो कैसा लग रहा था तब आपको, जब ये गाने करने का आपको उन्होंने मौका दिया था? मैं बहुत एक्साइटेड थी इस गाने को लेके, और बस एक्टिंग का थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे, बट हो गया। इससे पहले जैसे आपने कहा कि आपने एक कवर सॉन्ग किया था वो काफ़ी अलग था, ये काफ़ी कॉन्सेप्ट अलग है, दोनों में अपने आप को ढालना, एंजल कैसा कैसे किया आपने? जो इससे पहले मैंने करा था वो कवर सॉन्ग था, और उसमें कुछ एक्टिंग का कुछ ज़्यादा था नहीं, बट ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें पूरा स्टोरी बेस्ड है, तो इसमें इमोशनल पार्ट जो है तो वो बहुत चैलेंजिंग रहा है मेरे लिए, बहुत मज़ा आया इस सॉन्ग को करके। एंजल, आने आगे क्या प्रोजेक्ट्स की तैयारी है, आगे क्या करने वाली है? अभी मेरे प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, 5-6 सॉन्ग्स अभी बैक टू बैक आने वाले हैं, और आई होप आप सब उसी तरह जिस सॉन्ग इस सॉन्ग को जैसे आप प्यार दे रहे हैं उससे ज़्यादा आप उसे प्यार दें आने वाले जो सॉन्ग्स हैं। एंजल, जब फर्स्ट एल्बम आपने किया होगा आपने खुद देखा होगा उस एल्बम को, कुछ ना कुछ कमी आपको नज़र आई होंगी, कुछ सुधारने की कोशिश आपने इस एल्बम में की है उन बातों को? हाँ, सिंगिंग को लेके मैंने इम्प्रूव किया है, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ, और बहुत चीज़ें इम्प्रूव करी है मैंने, और आप लोगों को ये ज़रूर नज़र आएगी इस चीज़ पर। शूट के दौरान नर्वस होती है अंजला? शूट के दौरान ऑब्वियसली मैं कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं हूँ, बट थोड़ी बहुत नर्वस मैं होती हूँ। जुबेर जुबेर की शायद आप फ्यूचरिंग भी कर रहे हैं जुबेर इसमें, पर आपके साथ जुबेर गर्ल जुबेर फ्यूचरिंग कर रहे हैं? अपना कैरेक्टर प्ले किया है, और मैंने भी पूरी कोशिश करी थी। बहुत मजा आ रहा है, वो बहुत ही नेचर उनका बहुत जेन्युइन है एक तो पहली बात, और बहुत मजा आया उनके साथ मुझे काम करके। कोई वाकया शेयर करना चाहेंगे शूट के दौरान या प्रोडक्शन से कोई आपको ये मिली हो कि वजन कम करना है, वजन बढ़ाना है? नहीं, मैं बिल्कुल मुझे कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल मेरे से बिल्कुल मेरी जो मैं रियल लाइफ में हूँ बिल्कुल अलग है, और मुझे ऐसा कुछ वेट लॉस वगैरह का ये सब करना नहीं पड़ा, बट जो एक्सपीरियंस रहा मेरा विवेक बोरा के साथ बहुत ही मज़ा आया उनके साथ काम करके, बहुत उन्होंने मुझे एक्टिंग में भी हेल्प करी, और जहाँ जहाँ मैं अपना कॉन्फिडेंस कम हो रहा था मेरा उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, तो बहुत मज़ा आया। शूट कहाँ कहाँ पे हुआ उसके बारे में थोड़ी सी? ये हमने शूट पूरा नॉर्थ ईस्ट की लोकेशंस पर करी है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, आप सॉन्ग आपको सॉन्ग के अंदर देखने को मिले। गाने की थीम की अगर बात करें तो किस प्रकार की थीम में क्या है वो? ये एक ऐसा थीम है जिसमें हम सभी की लाइफ में कोई ऐसा स्पेशल इंसान आता है जो पहली नज़र में पहली मुलाकात में उसे अट्रैक्शन होने लगता है, वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है, तो हमें इस सॉन्ग को इसमें यही दिखाने की कोशिश करनी है कि वो कैसे कैसे हम पहली मुलाकात में पहली नज़र में हम एक उस इंसान से कैसे हम अटैच होने लगते हैं। ये लैला मजनू पे बेस्ड है कैसा? लैला मजनू कह सकते हैं, ये बिल्कुल इस हमें इस कॉन्सेप्ट में दिखाया है, ये जो स्टोरी है बिल्कुल
प्यार जो है पागलपन वाला प्यार दिखाया है इसमें, तो कह सकते हो आप। एंजल फ्यूचर में अपने आप को कैसा कैसे किस मुकाम में देखना चाहती है, आगे की आगे क्या करना चाहती है? आगे मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे एक अच्छे सिंगर के तौर पर मुझे माने और मुझे एक अच्छा सिंगर माने। जर्नी जर्नी कैसी रही एंजल, जर्नी के बारे में कैसे शुरुआत हुई, कैसे यहाँ तक पहुँचे और सपोर्ट कितना रहा फैमिली का? फैमिली का मेरा सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, मुझे मेरी फैमिली आज भी अभी भी पहले भी करती आई है सपोर्ट। और हम दिल्ली से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं मुंबई में दो साल पहले, और एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है और मेरी फैमिली मेरी मॉम मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। किसी घराने से आपने शिक्षा दीक्षा ली है और सिंगिंग की अगर बात करें तो कैसे? हाँ, मेरी क्लासेस सिंगिंग की चल रही हैं। बिरजू महाराज जी से आपने सीखा, किससे सीखा? दीपक जी महाराज। किस घराने से आते हैं? दादरी घराने से। कंफ्यूज कर रहे हैं। जी जी बताएं जी, दीपक जी के बारे में बताएं, कैसा कैसे आपको सिखाया, कैसे बताया, क्या सिखाते हैं, क्या उनका बेस क्या है? सूफी सिंगर है वो या वो क्लासिकल सिंगर है और वो मराठी है, मराठी टीचर, सिंगिंग टीचर। एंड कितना योगदान रहा उनका आपके करियर में, आपके जीवन में? बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा। मैं अभी भी उनसे सीख रही हूँ और जो मैं उनसे सीख रही हूँ बहुत सारी बातें मुझे उनसे सीखने की मिली हैं, अच्छी बातें, मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना है और बहुत कुछ सीखना है मुझे। चलते चलते आखिरी सवाल एंजल, मोदी जी पे कोई गाना बनाना चाहेंगे? चुनाव चल रहा है, मैं भी चौकीदार हूँ, जरूर अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको मुखड़ा भी मिल गया, मैं भी चौकीदार हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहूँ मैं, यही मैं भी चौकीदार हूँ, उस पर कुछ दो लाइन बनाना चाहेंगे? नहीं नहीं, चलते चलते अपना गाना कौन बना दीजिए। तेरे बिन जी नहीं पाऊँ अब माहिया, मर भी न पाऊँ अब माहिया, कर तो मैं क्या करूँ माहिया, मैं चलना न जाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।